रीवा कमिश्नर ने लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों की दो दो वेतन वृद्धियां रोकने का निर्देश दिया है। दरअसल रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने राजस्व महाअभियान के तीसरे चरण का रीवा जिले की जवा और त्योथर तहसील में जायजा लिया। कमिश्नर ने तहसीलदार तथा एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने लंबित प्रकरणों की फाइलों का निरीक्षण किया। नामांतरण के प्रकरणों में समय सीमा में इस्तहार जारी न होने पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की। प्रकरणों में समय पर पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत न होने तथा राजस्व अधिकारी द्वारा निर्णय में देरी करने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई है। प्रकरणों के संधारण तथा समय पर प्रस्तुत न करने में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर ने तहसीलदार जवा के रीडर शशिकांत विश्वकर्मा तथा तहसीलदार चौथर के रीडर विज्ञान चंद्र पांडे, सहायक रीडर अनिल त्रिपाठी एवं एसडीएम के रीडर ज्ञानेंद्र साकेत की दो दो वेतन वृद्धियां रोकने का निर्देश दिया है। कमिश्नर ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व महाअभियान को गंभीरता से ले, लंबित प्रकरणों का 13 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। समय सीमा पर पालन न करने पर कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहे। जो पटवारी समय पर प्रतिवेदन दर्ज नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक दिन के अंतराल में पेशी देकर प्रकरणों का निराकरण करें। नामांतरण, बंटवारा तथा अभिलेख सुधार की नस्ती में अधिकारी के हस्ताक्षर न होने पर कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। कमिश्नर ने त्योंथर में पटवारी से संवाद करते हुए कहा कि जनहित के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जनता के मध्य रहकर उनके कार्य करेंगे तो आपको आत्मिक सुख मिलेगा। लंबित प्रकरणों में दो दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। नक्शा, तरमीन, सीमांकन तथा बंटवारे में संबंधित सभी प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करके प्रकरणों का निराकरण कर किसान सम्मान निधि, EKYC तथा आधार सीडिंग के प्रकरण एवं साइबर तहसील के प्रकरण भी तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राजस्व महाअभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में मजलों टोलों में जाकर भी B1 का वाचन करें तथा वाचन के उपरांत फौती नामांतरण के प्रकरणों को तत्काल तहसील कार्यालय में दर्ज कराकर इनका निराकरण करें। निरीक्षण के समय अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, SDM जवा पीयूष भट्ट, तहसीलदार जवा राजेंद्र शुक्ला, तहसीलदार त्योथर नितेश सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान कमिश्नर ने आमजनों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को उनके समाधान कारक निराकरण के निर्देश दिए हैं। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, TV, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार, हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, देखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 023 नंबर पर।